नहीं नहीं घरा कब देख नहीं हमारा मैं जितने भी बीपीएल कार्ड के हैं देखो जिसका घर नहीं है उनको घरा कम से कम एक 2,000-3,000 घरा बनाते हैं जी जीता के जो चुप घर में बैठ के कमीशन रोड़ांगे ऊपर कमीशन खाने वालों को मौका मुझे जो एक बार जिताओ दो महीने के बाद रोडने मिलती है ये कई को दे रहे मालूम है वो पेट को खाना होना है घर होना है रहने के वास्ते बच्चे को फीस नहीं भरा तो बच्चे से बच्चे को हकार को छोड़े घर में हम क्या मुसीबत ये कर रहे मालूम है ये आप लोग का बड़े होकर जरा सस्ता करो तो लाख लाख शुक्र है मैं आपको बता रहा हूँ स्कूल फ्री करा तुम पीयूसी सेकेंडरी तक फ्री करा एक बार जीत के आया ना आपके मैं वायदा ओपन कर रहा हूँ वायदा करो जिताते बोलिए मैं हमारी माँ और बहनों के बीच में इसलिए आया हूँ कि इलेक्शन हो गया मोहतरमा कनीज फातिमा साहेबा इलेक्शन जीत गए आज जीते हुए हैं ये इतने मामलात पूरे मामलात आए और भी बहुत से मामलात मैं आपको गिनवा सकता हूं आज इन किसी भी एक मामले में अगर असेंबली में उन्होंने अपनी जबान खोली हो एक लफ्ज भी अगर बोला हो तो आपके बीच में आपका ये भाई आपका ये बेटा ऐलान करता है कि मैं इलेक्शन में से दस्तबरदार हो जाऊंगा मैं आपसे पूछने आया हूं आप हमारी शान है हमारी खवातीन हमारी हिम्मत है आपसे पूछने आया हूं क्या आप चाहते हैं क्या ऐसे मामलात पे खामोश रहे क्या दुश्मन के आंख में आंख मिला करके उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम हो आपसे इसलिए पूछने आया हूं हमारी हुकूमत अगर आएगी आपको वो 2,000 दे रहे हैं मैं आपको वायदा करता हूं जनता दल सेक्युलर आपको 5,000 एक घर को जो बुजुर्ग खवातीन है उसको 5,000 देगी जितने संघ के लोन लिए गए हैं वो तमाम संघ के लोन माफ कर दिए जाएंगे इसका वायदा करने आया हूं और जो जो संघ के लोन माफ किए गए उनको फिर से 50,000 से 1,00,000 रुपए का लोन देने का काम जनता दल सेक्युलर करेगी आपके बच्चे हैं क्या स्कूल की फीस है कितने सरकारी स्कूल यहां पर हैं पीयूसी कॉलेज है बच्चियों के लिए हमारे आपको वायदा करने आए हो अम्मा ये बार जिता के लाओ जनता दल हुकूमत में आएगी तो इस इलाके में पीयूसी का स्कूल रहेगा कॉलेज रहेगा पीयूसी का और हाईटेक स्कूल रहेगा हाईटेक जो बड़े बड़े 1-1,00,000 रुपए डोनेशन देके पढ़ रहे ना वैसे स्कूल सरकारी स्कूल बना के इंशाल्लाह बना के देंगे एक रुपए भी फीस नहीं ले जाएगी ये वायदा करने के लिए आया जिसके पास घर नहीं है उसको घर दिलाने का काम होगा मैं नासिर हुसैन उस्ताद आपके बीच में ये अहद करता हूं मुझे जिता के लाइए मैं ये वायदा करता हूं गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5,000 खवातीन को घर बैठे रोजगार दिलाने के काम कम से कम जो है 10,000 रुपए महीना आपको घर में काम करके आपको मिलना ऐसी जो है एक प्लान लेकर के ऐसी एक स्कीम लेकर कर आपको जो है ताकत देने का काम आपका ये भाई करेगा कितने 5,000 खवातीन ये वायदा करने आए हूं आप सब लोग दिल से नासिर हुसैन उस्ताद को अपना बेटा समझते हैं आप सब लोग दिल से नासिर हुसैन उस्ताद को अपना भाई समझते हैं और इस इलेक्शन में खुल के साथ देने का वायदा करते हैं तो मुझे बोलिए मैं आगे बढ़ता हूं क्या आप साथ देंगे जोर से बोलो साथ देंगे मैं आपसे वायदा करता हूं जब तक जिंदा हो इस्लाम के खिलाफ जो भी आवाजें उठेंगी उसका खिलाफ जो है आपका ये भाई नासिर हुसैन उस्ताद साहब तमाम तर नौजवानों को लेकर और तमाम तर कायदीन इनके पीछे आकर इनकी ताईद में इनको आगे बढ़ाकर वो तमाम तर लोग 1-1.5 लाख के मजमे को लेकर नगरेश्वर स्कूल जो गंज में है वहाँ से जगत सर्कल और मुस्लिम चौक से होते हुए जगत सर्कल पहुँचे ये एक इनकलाबी यहाँ इनकलाबी तहरीक यहाँ से भी उठी थी और ये पहला वाकया था जब इतनी बड़ी तादाद में नौजवान गुलबर्गा शहर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान भर में इतनी बड़ी तादाद में 1-1.5 लाख का मजमा उस वक्त निकला था वो तारीख
तारीख में दर्ज हो गई है, 19 दिसंबर की वो तारीख, आज वो एक तारीख बन चुकी है। और जब मैं कहना चाहूँ कि उसका नतीजा ये रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों में, दुनिया हिंदुस्तान भर के मुख्तलिफ इलाकों में, इससे हमारे गुलबर्गा की एक मिसाल लेकर, यहाँ से सीख लेकर, शहरियत के ताल्लुक से जो कानून बनाया गया था CAA NRC का, उसके खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई, बड़े बड़े एहतजाज हिंदुस्तान भर में जो है मुनक़िद होना शुरू हो गए। तो यहाँ से इनकलाब जब उठता है तो हिंदुस्तान भर में उसकी गूंज उठती है, और जब यहाँ से ख़वातीन अपनी बात करती हैं तो हिंदुस्तान भर में उसकी आवाज़ भी पहुँचती है। मसला इस बात का नहीं है कि हम ख़वातीन को लीडर बनाना चाहें, मसला इस बात का है जब हमारे अंदर से जो खातून को हम सेलेक्ट कर हम चुन कर भेजते हैं, अगर वो खामोश रह जाए और उसका ज़िम्मा बहुत ज़्यादा हो, ज़िम्मा बहुत बड़ा हो, MLA के हैसियत से असम्बली में जाना, यानी कि मुसलमानों के हैदराबाद कर्नाटक के मुसलमानों की नुमाइंदगी करना होता है, अगर वह वहाँ जाकर हिजाब के मसले में एक लफ्ज़ नहीं बोलते हैं और दीगर मसाइल पर खामोश रहते हैं, और ऐसे मसाइल पर जहाँ पर जो है फौरी तौर पर जवाब देना होता है, अनंत के जैसे मसले पर जहाँ पर पूजा करवाई गई थी हज़रत शेख लाडले मशाक अंसारी दरगाह रहमतुल्लाह अलैह के अंदर, तो वैसे मसलों के ऊपर फौरी तौर पर जवाब देना होता है, जब मसला उठा तो उनको 3 दिन के बाद मालूम पड़ा। हमें उनके खातून होने से और उनके एक लीडर बनने से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हालात इस बात की गवाही नहीं देते हैं कि हम ऐसे खायद को आगे भेजें, ऐसे लीडर को बनाकर भेजें जो कुछ बोल नहीं सकता हो, जबकि हमारे पास एक मजबूत लीडर नासिर हुसैन उस्ताद साहब की शक्ल में मौजूद है, जो हर लम्हा कौम की खातिर, मिल्लत की खातिर लड़ने के लिए तैयार है, और हुकूमत से भी टकराने की काबिलियत रखता है, और साथ ही साथ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से भी टकराने की काबिलियत रखता है। तो ये दोनों मामले, जो शहरियत का मामला है उसमें भी नासिर हुसैन उस्ताद साहब सबसे पहले आगे बढ़कर जो है मीटिंग बुलाए, मीटिंग बुलाकर ये एहतजाज दर्ज करवाए, और हिजाब के मामले में भी सबसे पहले बयान इन्हीं की जानिब से आया था। तो अब हमें वो 40 साल कायद मिल चुका है अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद की शक्ल में, अब आपको फैसला करना है, मुझे फैसला करना है कि हम अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए गुलबर्गा शहर में गंगा जमनी तहजीब को बाकी रखने के लिए, हर एक के मजहबी मामलात को बहाल रखने के लिए ऐसे कायद को मुंतखब करें जो असम्बली में, कर्नाटक की असम्बली में जाकर मसाइल पर बात करे, खामोश रहने वाला नहीं, क्योंकि चुनने का मकसद, वोट डालने का मकसद यह है कि यह हमारा गुलबर्गा शुमाल का एक नुमाइंदा असम्बली में हमारे मसाइल पर बात करे। हम तो सब असम्बली में नहीं जा सकते, क्योंकि एक जाब्ता है, एक उसूल है, अगर पार्लियामेंट में आपको भेजना है तो पूरे हलके पार्लियामेंट से एक शख्स दिल्ली जाएगा, अपने इलाके से भेजना है एक शख्स असम्बली जाएगा, हाँ अपने मोहल्लों से भेजना है एक शख्स कॉरपोरेशन जाएगा। तो कॉरपोरेशन में हमारे मोहल्ले के मसाइल, पानी के, लाइट के, नालियों के, रोडों के, ये तमाम मसाइल हमारा एक शख्स हमारी नुमाइंदगी कॉरपोरेशन में करेगा। तो अब ज़िले के मसाइल हैं, इलाके के मसाइल हैं, मिली मसाइल हैं, हमारी जान माल इज्जत आबरू, ये तमाम चीज़ों के मसाइल कॉरपोरेशन में नहीं उठाए जाते, इसे असम्बली में उठाना पड़ेगा। तो असम्बली में उठाने के लिए हम एक मेंबर ऑफ असम्बली को मुंतखब करते हैं, उसे भेजते हैं, ताकि हमारे हर मसले का, पर्दे का, हिजाब का, इज्जत का, जान का, माल का मसला वो वहाँ उठाकर दो टोक अल्फाज में अरबाब इख्तदार को, गवर्नमेंट को बताए कि ये हमारे मिली मसाइल हैं। अगर वहाँ पर वो खायद जाकर खामोश बैठता है, बात नहीं करता, जो लोग बात कर रहे हैं उनकी बात कन्नड़ा लैंग्वेज में है, क्योंकि ये कर्नाटक का स्टेज है, यहाँ पर लैंग्वेज कन्नड़ा चलती है, अब वो कन्नड़ा में जो जो लोग जो बोलेंगे पहले मुझे उसे सुनना है,
समझना है, फिर उनका जवाब कन्नड़ा में देना है। अब कन्नड़ा आई कि नहीं तो ऐसा होता है कि भैंस के सामने बीन बजाए, हालांकि सांप के सामने बजे तो उन्हें समझता, अब भैंस क्या समझेगी। तो लिहाजा हालात ऐसे हैं। तो अब उसके जवाब देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक तालीमी याफ्ता पर्सनालिटी जिसको जबानों पर उबूर है, चाहे वो मजहबी मामला हो, मिली मामला हो, माशी मामला हो, इक्तसादी मामला हो, ये जानते हैं। और ये ऐसे की शख्सियत है, इनके वालिद गिरामी पूरे कर्नाटक स्टेट के मारूफ वकील लाए रह चुके हैं, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। वैसे का शहजादा पढ़ा लिखा है, कन्नड़ा में गुफ्तगू आती है और नेशनल टीवीज पर डिबेट करते हैं, आरएसएस बीजेपी जो लोग सामने आते हैं बहस करते हैं, उनको अपनी बात मनवाते हैं कानून की रोशनी में। कानूनदान का बेटा है, कानून की रोशनी में बात रखता है। आज आपके दरमियान आया है, अभी अफजाल साहब ने कहा यकीनन दो मरतबा ये इलेक्शन फेस करे, मगर तकदीर अल्लाह की मर्ज़ी, क्योंकि ये भी मुसलमान हैं हम भी मुसलमान हैं, जो अल्लाह का फैसला होगा। मगर उसी रब ने फरमाया है पहले तदबीर कर, तो अब ये तदबीर का वक्त है। अगर हमने तदबीर नहीं किया, सारे मसले तकदीर पे छोड़ दिए, तो वो खुद कहेगा कि तूने तदबीर नहीं किया, सिर्फ दुआ पे काम चलाया। तो दुआ से वोटिंग नहीं बढ़ती, बढ़ती जा। अब घर में जो है जवारी है, चावल है, गेहूं है, सब है, अब मेरे को रोटी खाने की ख्वाहिश है। अब अल्लाह बोल रहे हैं अल्लाह रोटी खिला, उन्हें बोलता है पहले पूरा है इसे ज़रा थपक थपक के डाल, थोड़ी मेहनत कर फिर रोटी खाएगा। तो वैसे ही अब मेहनत का वक्त है। आप समझदार ख़वातीन हैं, वरना क्या होगा, ये कौमें आपके सरों से पर्दा छीन लेगी।